जी हाँ कंगना रनौत जी के घर के विषय के बारे में मैंने 2 दिन के पहले दिल्ली से शेयर किया था और मेरी बातें मैंने बताई थी और बातें वो सही निकली, क्योंकि जिस प्रकार से बदले के भावना से इस प्रकार से काम करना, वो भी एक महिला के साथ में और एक ऐसी महिला जिसमें कूट कूट कर देशभक्ति भरी हो और उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा है। कंगना जी ने मुंबई के बारे में क्या कहा है, महाराष्ट्र के बारे में क्या कहा है, पुलिस के बारे में क्या कहा है, उस विषय में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। जिसने भी अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया होगा कहा होगा तो उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई हो, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि गलत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका जैसे एक स्वायत्त संस्था ने इस प्रकार से कार्रवाई करना, ये बहुत ही दुखदायक है और मैं न्यायालय का अभिनंदन करना चाहूंगा। कल उन्होंने काम को रोका है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज न्यायालय इस प्रकार का कोई निर्णय करे, जो तोड़ा गया है उसको फिर एक बार रीइंस्टेट करने का आदेश होता है तो अच्छी बात है, और जिन अधिकारियों ने इस तरह से काम किया है उनके ऊपर भी खर्चा उनसे वसूला जाए, ताकि आने वाले दिनों में महानगर पालिका के अधिकारी भी कोई ऊपर या तो उसके ऊपर वालों की बात को सुनकर इस प्रकार का कार्रवाई न करे। इस प्रकार का एक आदेश का अपेक्षा निश्चित मैं भी करता हूं और मुंबई शहर के हर नागरिक करते हैं। और फिर एक बार मैं क्लैरिटी खुलासा करना चाहता हूं कि कंगना जी ने अगर मुंबई महाराष्ट्र या पुलिस के बारे में जो कुछ भी कहा गलत कहा होगा तो निश्चित उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए ना। ये थोड़ा कोई तरीका होता है आप किसी का घर तोड़ दो, किसी का मकान तोड़ दो, किसी का दुकान तोड़ दो, किसी पे हल्ला करो, ये तो भारतीय संविधान इस प्रकार की इजाजत किसी को देता नहीं है। थैंक यू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।